अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी, लाखों लोग होंगे देश से बाहर, क्या है ट्रंप का प्लान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इस मामले को लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपर्ट टॉम फिटोन नामक शख्स के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए इस बात की पुष्टि की। टॉम फिटोन ने एक्स पर लिखा था, खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। सीमा सुरक्षा प्रमुख ने क्या कहा है। ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासन मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है, उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। टॉम होमन ने कहा है कि उनका प्रशासन पहले उन्हें 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा। ये वे आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। अवैध प्रवासियों के अमेरिका ला रहे सीमा सुरक्षा एजेंट टॉम होमन। होमन ने अपनी व्यक्तिगत सीमा सुरक्षा के अनुभवों को शेयर करते हुए कहा है कि सीमा सुरक्षा एजेंटों को अब अवैध प्रवासियों को रोकने की बजाय उन्हें बस ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। वे अवैध प्रवासियों को बिना किसी बाधा के अमेरिका भेजते हैं, उन्हें मुफ्त हवाई टिकट, होटल और स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि लाखों अमेरिकी नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध। बता दें कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री करने से रोकना ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़े से पता चला है कि 2020 के बाद से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है।